नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है और आज एक बार फिर रिया से पूछताछ होगी। शुक्रवार को सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। रिया से यह पूछताछ करीब 10 घंटे तक चली। रिया से सुशांत की संपत्ति, सुशांत की बीमारी और सुशांत के साथ रिश्ते के बारे में सवाल जवाब किए गए। पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। रिया ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि 8 जून से 13 जून के बीच क्या हुआ था। सूत्रों के मुताबिक रिया के जवाब से जांच एजेंसियां संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज भी पूछताछ होगी, लेकिन जगह और समय कब होगा यह तय नहीं है। सीबीआई की पूछताछ का 8वां दिन था और 8वें दिन रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ होती रही, लेकिन ये पूछताछ का सिर्फ पहला राउंड था। अभी और पूछताछ होगी क्योंकि रिया सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सबसे ज्यादा जानती है। सीबीआई के सबसे ज्यादा सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया के पास है। सीबीआई दो पहलुओं को अपनी तफ्तीश में सबसे अहम मानकर चल रही है। पहला है, क्या सुशांत की हत्या हुई, और दूसरा पहलू है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सीबीआई ने रिया और उसके भाई शौविक को बुलाया तो दोनों के ऊपर इंटरोगेशन रूम में सवालों की बौछार हो गई। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के 8वें दिन केस की आरोपी नंबर 1 सुशांत के लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती को तलब किया। रिया के साथ डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में वो सब मौजूद थे जो रिया के साथ सुशांत केस के सबसे बड़े राजदार हैं। सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, केशव और नीरज। रिया से पूछताछ का सेकंड फेज 2 बजे के बाद शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब नुपुर शर्मा ठीक सामने बैठी थी और इस बार पूछताछ शुरू की गई, यानी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं बल्कि रिया से पूछा गया कि सिद्धार्थ पिठानी का रोल क्या था, क्राइम सीन और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बारे में स्पेसिफिक पूछा गया, यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में भी जिक्र करते हुए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि उनका ये आरोप है कि दरअसल आप सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी, उसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव थे और आप परिवार के लोगों से उन्हें मिलने नहीं दिया करती थी। रिया के लिए सीबीआई ने सवालों का चक्रव्यूह तैयार कर रखा था। सवालों की लिस्ट लंबी थी। सीबीआई की 3 अलग अलग टीमों ने मोर्चा संभाला। एक टीम रिया से पूछताछ कर रही थी, दूसरी टीम के सामने रिया के भाई शौविक बैठे थे और तीसरी टीम सैमुअल, केशव, नीरज और सिद्धार्थ से सवाल जवाब कर रही थी। पहले राउंड में सीबीआई की टीम ने रिया से ये जानने की कोशिश की कि आखिर रिया सुशांत से कैसे मिली और उनका सुशांत की जिंदगी में कितना दखल था। रिया से पूछा गया कि वो सुशांत से कब मिली। जवाब में रिया ने कहा कि वो साल 2013 में यशराज स्टूडियो में सुशांत से पहली बार मिली। सीबीआई ने रिया से सवाल किया कि उनकी सुशांत से मुलाकात कैसे हुई। रिया ने कहा कि उनके और सुशांत के मैनेजर एक ही थे, यही वजह है कि वो सुशांत से मिली। जब सीबीआई ने रिया से पूछा कि वो सुशांत से कब से रिलेशनशिप में थी तो रिया ने कहा कि 13 अप्रैल 2019 से ये रिलेशनशिप शुरू हुई। जब रिया से ये पूछा गया कि उन्होंने सुशांत के पुराने स्टाफ को बाहर क्यों निकाला तो रिया ने सफाई दी कि उसने सुशांत के घर पर न कोई स्टाफ रखा न किसी स्टाफ को निकाला। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को लेकर भी रिया से सवाल पूछे। रिया ने कहा कि सिद्धार्थ पिठानी पहले से ही सुशांत के घर में रह रहा था। वहीं रिया ने सैमुअल मिरांडा के बारे में बताया कि उसे सुशांत की बहन प्रियंका ने ही नौकरी पर रखा था। रिया से सुशांत के डिप्रेशन में होने को लेकर भी सवाल हुए। रिया ने बताया कि सुशांत को बीच बीच में पैनिक अटैक आते रहते थे। रिया ने सीबीआई को बताया सुशांत उनकी मुलाकात से पहले से ही दवाएं ले रहे थे। सीबीआई ने जब ये पूछा कि क्या वो सुशांत को किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर गई तो रिया ने कहा कि सुशांत 2013 में साइकेट्रिस्ट से मिले थे। साथ ही रिया ने कहा कि किस डॉक्टर से इलाज कराना है ये फैसला सुशांत खुद लेते थे। रिया चक्रवर्ती से पहले दिन की पूछताछ में सीबीआई का मकसद सिर्फ एक था। अब तक जितने भी इल्जाम लगे हैं, जितने भी बयान आए हैं, उन सभी को लेकर रिया चक्रवर्ती से उनका पक्ष सुना जाए। रिया के जवाब से ही सीबीआई पूरी घटना का सीक्वेंस रिक्रिएट करेगी, तब जाकर सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझेगी।
पूछताछ में HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यूरोप टूर भी जो जाया गया था, क्या वो यूरोप टूर में मनी ट्रेल का ट्रांजेक्शन हुआ था? निश्चित तौर पर हुआ था, करीब 55 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये 55 लाख रुपए भी सुशांत के अकाउंट से खर्च हुए थे? बिल्कुल, तमाम सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। यूरोप में कहां पर परचेसिंग की गई, ये डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन से, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन से पता चलेगी। दूसरी बड़ी बात कि रिया ने कितनी बार यूज किया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसकी जानकारी हासिल की जाएगी। तो ये यूरोप का टूर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें शौविक भी साथ गया था, रिया गई थी और सुशांत सिंह राजपूत इसमें गया था। और रिया से पूछा गया कि सुशांत के बैंक अकाउंट कौन देखता था, उनके कितने बैंक अकाउंट थे, अकाउंट किन किन बैंकों में थे, सुशांत के पास कितने क्रेडिट डेबिट कार्ड थे, सुशांत के घर का किराया किस अकाउंट से जाता था, किराया कैश में दिया जाता था या चेक से, सुशांत ने अक्टूबर 2019 में अपना घर क्यों बदला, दोनों के यूरोप ट्रिप में कितना खर्च हुआ था, फ्लाइट और होटल किसने बुक करवाए थे, सुशांत के तीनों कंपनियों में किसने कितने पैसे लगाए, कंपनियों में पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, इन कंपनियों का काम कौन देखता था, इन कंपनियों के IP एड्रेस बार बार क्यों बदले जा रहे थे, पैसे के लेन देन में सुशांत के परिवार का कितना दखल था, सुशांत के बैंक अकाउंट में नॉमिनी कौन था, क्या सुशांत अपने परिवार को पैसे भेजते थे, पिता के साथ सुशांत के कैसे रिश्ते थे, सुशांत ने अपना CA क्यों बदला। सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती सच से रूबरू थी, सुशांत की मौत से जुड़े असल सवालों का सामना कर रही थी। CBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाए। 75 दिनों से सुशांत के फैंस को इस सच का इंतजार है कि 14 जून को बंद कमरे के अंदर क्या हुआ था। जयता मित्रा और अभय पराशर के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया TV, मुंबई।